होते रहेंगे बहुत अच्छी बात है, हिंदुस्तान पाकिस्तान ताल्लुकात बढ़ाए, हिंदुस्तान को ज़रूरत है पाकिस्तान की, वो यहीं से जाना है उसने 48 कंट्रीज़ में, चॉइस ही नहीं है। तो आई एम श्योर कि हमारे सेटल्ड इशू सेटल हो जाएंगे इन टाइम्स टू कम। क्रिकेट होगी, क्रिकेट ना भी हो इंडिया के साथ, ठीक है, विद नो डिसरिस्पेक्ट टू इंडिया, क्रिकेट ना भी हो, लेकिन हम आप इतने तगड़े बन जाओ ना, क्रिकेट बोर्ड इतना तगड़ा बन जाए, 100 बिलियन रुपीज कमा रहा हो साल का, हमारा बच्चा फर्स्ट क्लास का करोड़ रुपया कमा रहा हो, वो हमारी क्रिकेट तगड़ी हो जाए। व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग, हम फिर वापस आ गए आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। गाइस अगर आप इसी तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में आखिरी में बात। के नाम से गुज़िश्ता दिनों KRL स्टेडियम को मौसूम किया गया। शोएब अख्तर ने कहा कि इंडिया को पाकिस्तान से खेलने की जरूरत है और इंडिया को चाहिए कि वो पाकिस्तान से खेले। शोएब अख्तर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सीज फायर होते रहेंगे बहुत अच्छी बात है, हिंदुस्तान पाकिस्तान ताल्लुकात बढ़ाए, हिंदुस्तान को जरूरत है पाकिस्तान की, वो यहीं से जाना है उसने 48 कंट्रीज में, चॉइस ही नहीं है। तो आई एम श्योर कि हमारे सेटल्ड इशू सेटल हो जाएंगे इन टाइम्स टू कम। क्रिकेट होगी, क्रिकेट ना भी हो इंडिया के साथ, ठीक है, विद नो डिसरिस्पेक्ट टू इंडिया, क्रिकेट ना भी हो, लेकिन हम आप इतने तगड़े बन जाओ ना, क्रिकेट बोर्ड इतना तगड़ा बन जाए, 100 बिलियन रुपीज कमा रहा हो साल का, हमारा बच्चा फर्स्ट क्लास का करोड़ रुपया कमा रहा हो, वो हमारी क्रिकेट तगड़ी हो जाए ना, हमें रिलाई करना ही ना पड़े किसी से। तो वो टाइम आ रहे जहाँ पे आपके पैसे आपको कम हो जाने, बिग थ्री हैं, ठीक है, इंडिया का माल हो, इंडिया कहता है हमने नहीं देना आपको, फिर आप क्या कर लोगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको अपना लेवल रेज करना पड़ना है, आपको एंटिटीज बड़ी करनी पड़नी है, ये ग्राउंड खाली पड़े हुए हैं, इन पर कुछ बना देते हैं। आपने सुनी शोएब अख्तर की गुफ्तगू और जानते हैं जरा बेंगलोर के हीरो से, क्या इंडिया को जरूरत है पाकिस्तान से खेलने की? देखिए दोनों कंट्रीज जो है वो उसमें फैनेटिक फॉलोइंग क्रिकेट की ना, पाकिस्तान और इंडिया में क्रिकेट के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं और वर्शिप करते हैं लोग। और एक आपको याद होगा जब ज़हीर अब्बास और इमरान खान और वसीम अकरम और ये तो सारे लोग इंडिया जब जाते थे तो वो बहुत अच्छा महसूस होता था और वो बहुत ज़्यादा लाइक करते थे। ऐसे ही पाकिस्तान के जब इंडिया के गावस्कर और ये लोग कपिल देव और ये तो इनको तो ये टाइज जो है क्रिकेट की, आज भी आप देखिए यूट्यूब के ऊपर आधे से ज़्यादा इंडिया की कवरेज है पाकिस्तान के साथ, जब जो भी हमारे यहाँ पे वीडियो बनाते हैं उसमें वो रिकॉर्ड्स आते हैं, क्योंकि ये छुप नहीं सकते। देखिए ना, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आपको स्कोर देखना ही है, विराट कोहली ने कितने रन्स किए, क्या सेंचुरी की, इंटरेस्ट तो अपनी जगह है। कुछ हमारे बाबर आजम का वो लोग फॉलो कर रहे होते हैं कि बाबर आजम ने कितने रन्स कर दिए, क्या कर रहा है, दोनों तरफ से फैन फॉलो, दोनों तरफ से है। अच्छा, तो मैं ये बताएगा कि अब्दुल मजीद भट्टी साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने उसने कहा कि अगर इंडिया की बी टीम भी आएगी तो उनकी क्रिकेट हमसे इतनी अच्छी है कि इंडिया की बी टीम हमें हरा देगी। देखिए उन्होंने पिछले 10-12 साल जिस वक्त वो पिट रहे थे, सबसे जो हाल उनका था उस ज़माने में, उसके बाद MRF एक एकेडमी उन्होंने खोली, उसके ऊपर फॉरेन कोचेस आए, उन्होंने 10-12 साल मेहनत की है, एक दिन में नहीं बने वो। फिर IPL ने इनको सपोर्ट किया, डेनिस ले को लिया, वहाँ पे बड़े बड़े नाम लिए, बड़े बड़े फिर उन्होंने एक मजबूत प्लानिंग की, उन्होंने शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं की, उन्होंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की, और उस लॉन्ग टर्म प्लानिंग का फल ज़ाहिर 10-12 साल बाद ही मिलना था ना, वो जॉब इनको मिला। और इस पर सोने पे सुहागा ये हुआ कि IPL प्रोडक्ट बन गया इनका बेहतरीन किस्म का, जिसकी वजह से उनको और ज़्यादा सपोर्ट मिली, खिलाड़ियों की तादाद ज़्यादा हो गई। अब पाकिस्तान ने भी IPL PSL चल रहा है, अब इससे भी कुछ लड़के निकल रहे हैं, मगर हमारी अभी तक जो प्लानिंग है प्लेयर प्रोडक्शन करने की वो अभी हमारी अभी तक है ही नहीं। हम PSL को बुनियाद बना लेते हैं या ले लेते हैं, जबकि कभी कभी हम फर्स्ट क्लास को बुनियाद बना लेते हैं तो कभी हम उधर से, हम एक प्रॉपर तरीके से, मेरा अपने ये ख्याल है कि अब तो माशाल्लाह सब अच्छे खिलाड़ी पढ़े लिखे लड़के हैं, सब इनको बैठ के अपनी प्लानिंग करनी चाहिए कि हम फ्यूचर में कहाँ। अभी देखिए वर्ल्ड कप आने वाला है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आज से सोचेंगे तो कहीं जाके आप आगे।
तो गाइज ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो करते हैं दोस्तों इस वीडियो के बारे में बात। तो शोएब अख्तर आप जानते हैं, शोएब अख्तर एक कैरेक्टर है, शोएब एक्टर बोलना इनको ज़्यादा सही रहेगा। ये इस तरीके की बातें कर जाते हैं कि मान लो आप समझ नहीं सकते कि ये खुद इनको खुद को नहीं पता रहता। ये कुछ टाइम पहले मतलब ट्विटर पे कश्मीर कर रहे थे, कभी इंडिया पाकिस्तान के मैच होने चाहिए, कभी भारत को पाकिस्तान की ज़रूरत है, कभी हमें आईपीएल में खिलाओ, कभी बोलते हैं कि भारत ने सारी दुनिया की क्रिकेट को तबाह कर दिया है, भारत चाहता है कि वर्ल्ड कप ना हो, भारत का आईपीएल हो, भारत चाहता है कि भारत के भारतवर्ष पैसा कमाए। इस तरीके की बातें इन्होंने अक्सर की हैं, आपने देखा होगा इनके शोज़ में, मतलब करते रहते हैं। YouTube पर नहीं करते, ये अपने खुद के YouTube चैनल पर बहुत कम करते हैं इस तरीके की बातें, क्योंकि उनके 90% जो फॉलोअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो इंडिया से हैं। तो ऐसी बातें वो YouTube पर नहीं करते, लेकिन TV शोज़ में, इंटरव्यूज़ में, या कभी स्पोर्ट, कभी एनालिस्ट करते हैं, कहीं किसी मतलब मैच से पहले या पोस्ट प्री, कभी भी। तो इस तरीके की बातें कभी ना कभी इनके मुँह से निकल जाती है। अब यहाँ पर इन्होंने फिर से एक बार बोला है कि भारत को इनके नाम पर कोई एक छोटा, जो रावलपिंडी में कोई छोटा मोटा स्टेडियम है इनके नाम पर कर दिया गया है, उसको लेकर इन्होंने बोला है कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए, भारत की ज़रूरत है पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना। तो दोस्तों इस तरीके की बातें पाकिस्तान की तरफ से ही आती हैं। आपको पता है भारत पाकिस्तान की क्रिकेट क्यों बंद है? यहाँ पर केवल रीज़न एक ही है भारत पाकिस्तान की क्रिकेट बंद होने का, टेररिज्म। 2008 मार्च अप्रैल में जब आईपीएल हुआ था, सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर उसमें मतलब ऑक्शन में अवेलेबल थे, और बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर मतलब शायद उस टाइम पे सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी प्लेयर रहे होंगे, लगभग 11 से 15 प्लेयर रहे होंगे, हर टीम में दो दो तीन तीन पाकिस्तानी प्लेयर थे, उनको मतलब आईपीएल में लिया गया था। लेकिन आपको पता है उसी साल क्या हुआ था, नवंबर में मुंबई हमला हुआ, जिसके बाद से भारत पाकिस्तान के रिश्ते इतने ज़्यादा ख़राब हुए 2008 के बाद से, कि जो अभी तक सुधर ही नहीं पाए। और सुधारने की कोशिश भी की जाती है तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है मतलब पाकिस्तान की तरफ से, जिसके कारण भारत पाकिस्तान के रिश्ते कभी स्टेबल हो ही नहीं पाए। अब पाकिस्तान के व्यापारी तक बोल रहे हैं कि पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार शुरू करें, नहीं तो पाकिस्तान के व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे इसी तरीके का चलता रहा तो, क्योंकि वहाँ पर गेहूँ है ना, कपास है, कृषि प्रधान देश पाकिस्तान में, खेती की ही मतलब कमी हो गई है। तो दोस्तों आपको बता दें, तो पाकिस्तान के शोएब अख्तर बोलते हैं कि भारत को ज़रूरत है पाकिस्तान की। ठीक है, अब इनकी बातें आपको भी पता है कि इनके जो मतलब बीमर थे या बाउंसर थे, मतलब ऐसे बाउंसर जो यूज़लेस थे ज़्यादातर, उन्हीं की तरह होती हैं, तो अब क्या बोलूँ मैं। ठीक है दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने सुझाव लिखिए कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलनी चाहिए या नहीं खेलनी चाहिए, ये कमेंट में आपके सुझाव ज़रूर आने चाहिए। और भारत पाकिस्तान के साथ मैच बहुत जल्दी होने वाले हैं एशिया कप में, अगर भारत की जो बी टीम है वो आती, बी टीम ही भारत भेजेगा, क्योंकि भारत को जो ए टीम है वो फाइनल के लिए, जो आपको पता है टेस्ट सीरीज़, जो वर्ल्ड टेस्ट सीरीज़ का फाइनल है, वहाँ भेजनी है। लेकिन अब यहाँ पर डिसाइड होगा पाकिस्तान अब भारत के साथ एशिया कप में खेलना चाहता है या नहीं खेलना चाहता, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग जो उनका लोकल टूर्नामेंट है वो होना है, और वो कोरोना की वजह से अभी पोस्टपोन हुआ था, और पाकिस्तान जो मतलब अब फिर से उसे कराना चाहता है, तो उसे कंटिन्यू करने के लिए पाकिस्तान को कहीं ना कहीं से मतलब विंडो चाहिए। तो वो विंडो सोच रहा है एशिया कप पोस्टपोन मतलब या एशिया कप से बायकॉट करके ही उसे मिल सकती है। तो भारत तो इस बार भी एशिया कप खेलने के लिए तैयार है, और भारत की जो बी टीम है, आपको पता है बी टीम भी भारत की बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसमें लगभग जैसे KL राहुल, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव और मयंक अग्रवाल, शिखर धवन भी आप उसमें ऐड कर सकते हो, और श्रेयस अय्यर, जो भी प्लेयर टेस्ट मैच में नहीं खेल रहे हैं, मतलब आपने देखा टी नटराजन, शार्दुल ठाकुर और भुवनेश्वर कुमार भी उसमें अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि वो भी टेस्ट सीरीज़ में नहीं है। तो ये प्लेयर होंगे तो डेफिनेटली भारत की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको भी पता है ए टीम के ना होने के बावजूद भारत की टीम में इतने सुपरस्टार प्लेयर हैं जो आईपीएल में वैसे ही परफॉर्म कर चुके हैं, तो मज़ा आएगा देखने के लिए। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि भारत को डोमिनेट करना चाहिए क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, जिस तरीके की भारत की टीम है। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि इंडिया और भारत के मैच होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, होने चाहिए तो किस शर्त में होने चाहिए, आपका क्या रिएक्शन है इस वीडियो को देखकर। प्लीज़ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।